केंद्र सरकार की जनधन योजना के एक दशक पूरे हो चुके हैं। जनधन योजना के 10 साल होने पर नमो ऐप पर क्विज के जरिए पीएम मोदी के हस्ताक्षर की किताब जीतने का मौका है और 10 सवालों के उत्तर देने वाले को पीएम मोदी की हस्ताक्षर की हुई किताब मिलेगी। ये क्विज पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव है और नमो ऐप पर जाकर पूछे गए सवालों का जवाब देकर पीएम के हस्ताक्षर वाली किताबें जीत सकते हैं आप। और जनधन योजना के 10 साल पूरा होने पर, एक दशक पूरा होने पर एक ये क्विज आयोजित किया जा रहा है नमो ऐप, जिस पर ये क्विज कंपटीशन, हालांकि ये एक क्विज है, इसमें कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर उनके सवालों के सही जवाब दिए तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हस्ताक्षर की हुई किताब मिलेगी। एक दशक पूरा हो चुका है जनधन योजना का और ये वो जनधन योजना है जिसके तहत हर एक व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाया गया और ऐसे में उस बैंक खाते से होने वाले लाभ और इस जनधन योजना से जुड़े कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। नमो ऐप पर जाकर आप दे सकते हैं सवालों के जवाब और हासिल कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हस्ताक्षर की हुई किताब। और रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ से भागकर उन्नाव में जा छिपा था आरोपी। दुष्कर्म का आरोपी चंद्रकांत चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के उन्नाव से चंद्रकांत चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चंद्रकांत चंद्राकर को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और बलौदा बाजार के चर्चित सेक्स रैकेट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मुख्य आरोपी शिरीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 महीने से यह फरार चल रहा था और पहले इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था। देह व्यापार की आड़ में ये लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे और लाखों का चूना भी लगाते थे। और खबर जशपुर से, जहां चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया गया। 5,60,000 रुपए का सामान इससे बरामद हुआ। जमीन में गाड़ कर इसने गहने और सामान रखा हुआ था। एक सूने मकान से गहनों और स्कूटी की चोरी इसने की थी। दरअसल पथलगांव पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 5,60,000 रुपए का सामान इससे बरामद हुआ। जशपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस पूरे मामले में देखिए, आरोपी ने खुद निकाल कर, गड्ढे से खोद कर निकाल कर पुलिस को ये सारा सामान सौंपा और इसने जमीन में गड्ढा करके उस सामान को, चोरी किए गए सामान को दफन कर दिया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया, देखिए किस तरह से इसमें से सोने के जेवर निकले हैं और 5,60,000 रुपए के सामान की चोरी का ये पूरा मामला है। और जशपुर से ये देखिए सामने आया पूरा मामला। कोरिया जिले के कोटकताल प्राथमिक विद्यालय के भवन में दरार आ गई है और ये लगातार हुई भारी बारिश के चलते स्कूल की दीवार में दरार आई है। वहीं स्कूल की छत के टुकड़े भी क्लासरूम में कभी कभी टपक जाया करते हैं, जिसे देखते हुए प्राइमरी स्कूल के छात्रों को माध्यमिक स्कूल के भवन में शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि कोटकताल प्राइमरी स्कूल में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मरम्मत के अभाव में स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और इसके गिरने का डर है। और स्कूल के भवन की हालत आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये
कुछ और नहीं बल्कि सीधा सीधा यमदूत बन चुका भवन है। बढ़ते आगे, इंदर सिंह उबोवेजा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त बना दिए गए हैं और आज उन्होंने प्रमुख लोकायुक्त की शपथ ली। राज्यपाल रमन डेका ने उन्हें शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विश्वदेव साय भी शामिल हुए थे।